मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद फरीदाबाद से। आज हम बात करते हैं कि बुद्धिमान कैसे बने, यानी कि आपकी स्मरण शक्ति कैसे ठीक हो, कैसे बढ़े, और घृति यानी कि ध्यान देने की शक्ति कैसे बढ़े। आपके आपको कोई भी बात याद कैसे रहे, आप अपने कार्यों की या किसी भी चीज़ की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निर्णय शक्ति आप कैसे बढ़ाएं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, और ये बल आजकल बहुत कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि हम इसके कुछ कारण हैं। आजकल हम तकनीकियों के कारण अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करते। अब कोई चीज़ जमा जोड़ घटा करनी है तो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं या कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। हम अपने दिमाग से आजकल कुछ भी नहीं करते। पहले लोग अपने दिमाग के हिसाब से ही टाइम बताना कि लगभग क्या समय है, और वो भी आजकल सब समाप्त हो गया है, हिसाब किताब लगाना सब समाप्त हो गया है। व्यायाम की कमी और निगेटिव सोच, आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो है निगेटिव सोच की। स्ट्रेस, ये इस वजह से होता है कि हम क्रोध में रहते हैं, और क्रोध करना एक स्वाभाविक मान चुके हैं कि ये काम करेंगे इसमें ये चीज़ें होंगी तो क्रोध तो होगा ही, या क्रोध करके ही काम कराना है, ये थिंकिंग गलत हो गई है। कुछ बुद्धि से कम होना एक अनुवांशिक गुण भी है, लेकिन बहुत कम प्रतिशत ऐसा है। अध्ययन ना करना, अध्ययन करने से बुद्धि बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने पढ़ लिख करके कोई डिग्री ले ली और फिर अध्ययन बंद कर दिया वो बुद्धिमान हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको किसी न किसी प्रकार का अध्ययन करते रहना चाहिए, आध्यात्मिक हो या आपका व्यावसायिक संबंध हो या कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ते रहें जिससे आपके मस्तिष्क का व्यायाम होता रहे। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं, जैसे मानसिक व्यायाम और शारीरिक व्यायाम, आप दोनों करते रहें। लगातार प्राणायाम करें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपने ऊपर भरोसा करें कि परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है तो जो समस्या दी है उनका समाधान भी दिया है। हम 24 घंटे एक डर में जीते हैं, और डर को दूर करें, अध्ययन करें, कुछ न कुछ अध्ययन करते रहें। जहाँ भी आप अपने काम से खाली होते हैं किसी चीज़ का अध्ययन करते रहें। दिमाग की कसरत के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैथ के कुछ सवाल हैं, या उल्टी गिनती करते हैं कुछ लोग, कुछ भगवान का नाम लेते रहते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ वो अपने दिमाग में प्रकृति को देखते हैं बड़े नज़दीक से कि परमात्मा ने क्या ये खेल खेला है, किस तरह की फूल पत्ती बनाई है, किस तरह चांद और सितारे बनाए हैं, इनके ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान दें तो आपकी स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति ये आपकी बढ़ेंगी। और दिमाग की कार्य अक्षमता के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए या मस्तिष्क की को हेल्दी करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो हम अब कुछ बताने जा रहे हैं औषधियों के बारे में। उनसे पहले मैं आपको दो व्यायाम ऐसे बताता हूँ जिससे आपकी बुद्धि पर अंतर पड़ेगा। आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद जब कुल्ला करते हैं
एक कंघी से कान की ये पीना, इनसे ऊपर ऊपर आप अपनी कंघी से अपने सिर को रगड़ें, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये आप करके देखें। और जब आप नहाएं, स्नान करें, तो कम से कम 5-7 मिनट या 10 मिनट तक अपने सिर पर लगातार पानी का की बौछार डालें या पानी डालते रहें, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये एक प्रैक्टिकल करने का सब्जेक्ट है। अब हम बताते हैं कुछ उपाय, आयुर्वेदिक उपाय या जड़ी बूटियों से उपाय। 1 किलो गाय का घी ले लें और उसमें 18 किलो पेठे का रस निकाल करके, जो बाज़ार से पेठे आते हैं उनका रस निकालो,